अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मंडी बाउद्दीन से मैं हूं अफजाल अहमद जी। आज हम आपको वुमेंस डे के हवाले से एक ऐसी मेहनती और बाहिम्मत खातून से मिलवाते हैं जो कि खाने की रेडी लगाती है। इस खातून का खामंद वफात पा चुके हैं और ये मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है, तो आइए इससे जानते हैं कि इसके शब रोज कैसे गुजरे हैं। अच्छा, ये काम कब से कर रही हैं आप? मुझे तकरीबन 3-4 माह हो गए। तो इससे पहले क्या करती थी? इसके पहले हॉस्पिटल में काम करती थी। DHQ हॉस्पिटल में आपने सर्विस की है, तो वो क्यों छोड़ दिया आपने? वो मुझे पेमेंट नहीं देते थे कि मैंने 6 महीने काम किया है। पहले महीने में मैंने काम शुरू किया और 6वें महीने की 20 तारीख को मैंने काम छोड़ा है। कर कर के काम पेमेंट की तरफ कहते थे अभी आ रही है, 10 को आ जाएगी, 15 को आ जाएगी, 20 को आ जाएगी। ये बताएं कि आपके टोटल वाजिबात कितने हैं उनकी तरफ? मेरे तकरीबन 18,000 रुपये उस टाइम तनख्वाह थी, तो ये मेरा बनता है 1,08,000। उधर से जब मैंने छोड़ा है उसके बाद मैं हॉस्पिटल इसमें काम लग गई थी, डॉक्टर खुरम के पास, उसकी क्लिनिक पे काम करती रही हूँ। वो 10,000 रुपया तनख्वाह देते थे, कोई लोग वगैरह मदद कर देते थे, उसी तरफ से मेरा घर चलता रहा। फिर मेरा घर का किराया या बच्चों का खर्चा या बिजली का बिल कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, मुश्किलात थी। उसके बाद फिर मैंने ये अपना काम शुरू कर लिया। पहले मैं बिरयानी बनाती थी, उसके बाद जिन जिन को मैं देती थी उन्होंने यही कहा कि बाची साथ रोटी सालन भी रखो। आस्ता 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 चलाती गई, अब 3-4 माह हो गया मुझे ये काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह के आगे से बेहतर जा रहा है। ये सब बहन भाई हैं दुकानों वाले, तावन करते हैं, रोटी लेते हैं, मेहरबानी है इनकी कि मेरे साथ तावन अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने आज क्या क्या बनाया हुआ है? आज मैंने बनाया है चिकन अंडा बनाया है, दाल चना बनाई है, उसके बाद आलू अंडा है, आलू मटर है और चिकन वाली बिरयानी है। जी बिल्कुल, इस तरह की खवातीन हमारे मुआशरे के लिए अज़्म व हिम्मत की एक मिसाल हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय मेहनत पर यकीन रखती हैं। इस खातून का कहना है कि ये काम करने से पहले वो DHQ हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, लेकिन 6 माह काम करने के बावजूद तनख्वाह ना मिलने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। जी